जिस तरीके से आज पूरी दिल्ली त्राही त्राही कर रही है, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, उनके साथ धोखा दिया है, निरंतर जो उन्होंने वादे किए थे, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो शराब का मुद्दा हो, अनेकों अनेकों मुद्दे जो जिसके लिए उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली की जनता को राहत दिलाएंगे, वो राहत देने के बजाय बल्कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको और पैदा करने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उसी विषय को लेकर के हमारे साथ में रवि जौहरी जी के साथ और ये जितने भी NDMC के हमारे कर्मचारी हैं, चाहे वो TMR हैं, चाहे वो RMR हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, जितने भी जो ये जितने भी और विशेष रूप से इसमें युवा लोग आपको नज़र आ रहे होंगे, आज उन्होंने संकल्प लिया है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने दिल्ली के केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को नशे में डुबो करके और दिल्ली की जनता को अपंग बनाने का काम किया है और अनेकों अनेक समस्याएं जिनको वो लेकर के वो आए हैं और उसके खिलाफ आज यहाँ पे हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ हो रहा है। ये एक ऐतिहासिक धरातल है, ऐतिहासिक धरोहर है। ये वो धरोहर है जिस हमारे बाबा साहब ने हमें समाज में जीने की ताकत दी, अधिकार क्या होते हैं उसका मतलब बताया, मंदिरों में पूजा अर्चना करने की जो हमें कानूनन जो अधिकार दिलवाया और देश के संविधान निर्माता कानून क्या होता है पूरे मुल्क को सिखाया, जिन्होंने ऐसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मैं अरबों बार नमन करता हूँ, अरबों बार नमन करता हूँ। और उन्हीं की पृष्ठभूमि से आज के इस दिल्ली में बैठी गूंगी भरी सरकार, केजरीवाल सरकार, जिसने 8 साल से हमारे RMR, TMR और कंपेशनेट कर्मचारियों के साथ छल किया, धोखा किया, फरेब किया और अपने कहे अपने किए और कहे किसी भी वादे पर वो कायम ना रह सके, आज उसी को लेकर हम सब एकजुट हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी भी शामिल हुए और माननीय बहन विशाखा सैलानी जी, जो हमारी NDMC की मेंबर हैं, उन्होंने आज हमारा मनोबल बढ़ाया, हिम्मत दी, हौसला दिया। तो मैं ऐसे अपने दोनों महानुभावों को नमन करता हूं और माननीय वाइस चेयरमैन साहब सतीश उपाध्याय साहब का किसी ज़रूरी कार्य में व्यस्त होने के कारण उनका समय आज वो हमें नहीं दे पाए, मेरी उनसे बात हुई थी, लेकिन भाई साहब का तहे दिल से हमें समर्थन है, योगदान है, मैं उनको भी नमन करता हूँ। और कुलजीत चहल साहब, उनका भी हमें समर्थन है, मैं उनको भी नमन करता हूँ। गिरीश सचदेवा जी, उनका भी हमें समर्थन है, मैं उनको भी नमन करता हूँ। और माननीय मीनाक्षी लेखी जी, हमारी बड़ी बहन, जिनके अंतर्मन में सबसे अत्यधिक पीड़ा है और हमें पूरा विश्वास है कि वो इस काम को, इन बच्चों के अधिकारों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर सूरत हर कदम हमारा साथ देंगी, हमें पूरा पूरा विश्वास है इस बात का। और बहुत जल्द हम बहन मीनाक्षी लेखी जी का भी समय लेकर इन सभी लोगों को साथ लेकर उनसे मिलेंगे और अपनी पीड़ा रखेंगे। खुशी का दिन है और बहुत ही अच्छा आज अच्छा दिन है। RMR कर्मचारियों की नहीं है, TMR जो डेथ केस है उनकी नहीं है। भाई रवि जौहरी जी हमारे जो यूनाइटेड फ्रंट के संयोजक हैं और दलित सोशल न्याय मंच के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं और मैं वर्तमान में मैं दलित सोशल न्याय मंच का महामंत्री हूँ और फ्रंट का उपाध्यक्ष हूँ NDMC यूनियन का। उसके तहत में जो आज ये कार्यक्रम किया गया है भाई रवि जौहरी जी ने, ये जो वर्षों से लड़ाई चल रही है 8 साल से, जो इस क्षेत्र की जनता ये के आगे मतदाता हैं, हम मेंबरों के पास जाते हैं, बिचारों के पास, उनको हमने वोट तो दिया नहीं, वोट तो हमने इनको दिया केजरीवाल साहब को। ये जो नई दिल्ली विधानसभा की जनता है, जो RMR है, जो डेथ केस है, ये मतदाता नहीं दिल्ली के,
हम सबके पास जाते हैं, चारों मेंबरों के पास, आज कभी चहल जी के पास, कभी सतीश जी के पास, कभी मिसाना जी के पास। तो रवि जी ने ये कदम उठाया नई दिल्ली की जनता को, हमारे जो भाई लोग परेशान हो रहे हैं 8 साल से, किसी की डेथ होगी बेचारों की, घर के चूल्हे 12,000 में क्या तंग घर चल जाएगा। केजरीवाल से पूछो कि तुम्हें पूरा लश्कर चलता, काफला गाड़ी होगा 10-12 का, ये बेचारे अपने सुबह से निकलते हैं शाम को और अपने घरों में घुसते हैं ये लोग, हैं इनकी कौन सुनेगा। पहले तो मैं आज इस धरती पर खड़ा हूँ कि मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के बाबा अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ, और उनकी एक बात मेरे को याद आई है, मैं वो कहना चाहता हूँ सभी भाइयों के लिए। उन्होंने एक नारा लगाया था, जागो उठो और लड़ो और अपना अधिकार लेके रहो। इस धरती पे हमने जन्म लिया है, अगर खाली रोटी खाने के लिए जन्म लिया है तो आज और अभी मर जाओ, नहीं तो अपने परिवार के, अपने बच्चों के लिए जागो उठो और लड़ो और अपने अधिकार लेके रहो। ये बाबा साहब का भी नारा था, अपने अधिकार के लिए हमें लड़ना चाहिए। जिस तरह से हमारे साथ छल कपट अन्याय हो रहा है, और 8 साल से हम लोग इसी तरह से RMR पे ही मरते जा रहे हैं, RMR अब लगभग RMR से भी रिटायर होने लगा है, ये बहुत ही दुख का विषय है, बहुत ही दुख की बात है। इसको जितनी जल्दी ये RMR परिवार, सभी कर्मचारी, सभी डिपार्टमेंट का जितनी जल्दी समझेगा, जागेगा, उतना ही जल्दी उसके घर में उजाला होगा।